सोलन पुलिस द्वारा नशे को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत सोलन पुलिस की SIU टीम समय समय पर नशेड़ियों से नशा पकड़ती है। सोलन जिला के परमाणु में पकड़े गए मामलों को अदालत में निपटाने के बाद आज सोलन पुलिस ने पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र शर्मा की देखरेख में चिट्टे सहित गांजा व अन्य नशे की खेप को नष्ट किया। उल्लेखनीय है कि सोलन पुलिस नशे के समूल नाश के लिए वचनबद्ध है। यही कारण है कि सोलन पुलिस आए दिन चिट्टे के सौदागरों से जानलेवा नशा पकड़ने में सफलता हासिल करती है। वहीं अन्य प्रतिबंध नशों पर भी सोलन पुलिस की पैनी नज़र है। सोलन पुलिस ने सभी से आग्रह किया है कि वह जानलेवा नशों का व्यापार करने वाले एवं सेवन करने वालों के बारे में जानकारी दे। पुलिस उनकी जानकारी गुप्त रखेगी और नशेड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे जिला संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला सोलन के परमाणु थाना के अंतर्गत पड़े गए मामलों को अदालत में निपटा लिया गया है। उसके बाद ही आज पुलिस लाइन सोलन में चिट्टे सहित अन्य जानलेवा नशे की खेप को नष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस नशे के समूल नाश के लिए वचनबद्ध है। वो आगामी समय में भी पुलिस नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए नशेड़ियों की धरपकड़ करती रहेगी। उन्होंने कहा, आज थाना परमाणु के 4 केसेस जो कोर्ट से डिस्पोजल हुए थे, इनका फैसला हो चुका था और आगे फर्दर कोई अपील पेंडिंग नहीं थी। उसमें पुलिस हेडक्वार्टर शिमला के आदेश के अनुसार इसको आज ड्रग डिस्पोजल कमेटी जो है बनी हुई है, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी है, तहसीलदार सोलन के हैं और काउंसलर है यहाँ पे इस वार्ड के, उनके सामने इसको डिस्ट्रॉय किया गया।